Good evening, doctors. Today we are going to discuss the memory based part 3 Aiims PG May 2018 paper. Okay, question number 71. 12 year child engulf battery in a stomach. एक 12 साल का बच्चा है जिसने बैटरी निगल ली है पेट में. अब ऑप्शन दिए गए हैं, आस्क कम आफ्टर 7 days. उस बच्चे को हम बोलें कि 7 दिन बाद आ जाना, बैटरी तो निकल ली, तो हम उसको 7 दिन बाद नहीं बुलाएंगे. इन्होंने पूछा राइट आंसर, 7 दिन बाद हम उसे क्यों नहीं बुलाएंगे, उसका कारण है. हम 7 दिन बाद उसको इसलिए नहीं बुलाएंगे क्योंकि अगर वो बैटरी स्टमक से पास हो गया तो ड्यूडेनम में जाएगा. ड्यूडेनम के बाद वो एक बहुत ही नैरो जंक्शन पर चला जाएगा, इलियोसिकल जंक्शन पर, तो वहाँ पर स्टक हो जाएगा. ये एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है इसलिए उसको 7 दिन बाद नहीं बुला सकते. अब दूसरा ऑप्शन है एंडोस्कोपी एंड रिमूवल. तो हम उस बच्चे का एंडोस्कोपी करेंगे, यही इसका आंसर है. क्यों करेंगे ये बताता हूँ. एंडोस्कोपी के थ्रू हम जाएंगे, एंडोस्कोपी में हम गैस्ट्रिक जंक्शन पे जाएंगे और बैटरी को वापस मुंह से बाहर ले आएंगे. अब ये बेस्ट क्यों है, ये बैटरी है. अब इन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का. तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम नहीं करेंगे, उसका कारण है क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं हम शार्प ऑब्जेक्ट के लिए. अगर बच्चा कोई छोटा सा नाइफ या कोई ब्लेड निकल लेता तो फिर हम उसको एंडोस्कोपी के थ्रू बाहर नहीं निकालते, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते. क्योंकि अगर उसने ग्लास का पीस या कुछ भी ट्रॉमेटिक एजेंट निकल लिया होता, ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है इसलिए एंडोस्कोपी से निकाल सकते हैं, पर कोई भी ट्रॉमेटिक एजेंट के लिए हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज़ करना पड़ता. पर यहाँ पर बैटरी है, बैटरी ब्लंट ऑब्जेक्ट है, तो एंडोस्कोपी इसका आंसर है. अब हम क्वेश्चन देखेंगे 72. क्वेश्चन नंबर 72 में है लेडी 5 वीक्स एमेनूरिया, मतलब 5 हफ्ते से उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया है पर फीटल हर्ट साउंड एब्सेंट है. फीटस हर्ट साउंड एब्सेंट है. और ये एक दूसरा क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किया है, फाइब्रस डिस्चार्ज है. दो कंडीशन रखी है, तो हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, फीटल हर्ट साउंड एब्सेंट है. तो हम क्या करेंगे, आस्क हर टू विजिट आफ्टर 7 डेज. तो हम उससे बोलेंगे कि 7 दिन बाद आए क्या, आप ये सोचेंगे, या फिर चेक करोगे बीटा एससीजी फॉर प्रेगनेंसी. तो ऑप्शन बेस्ट जो है यहाँ पे, अगर हम फाइब्रस डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो बीटा एससीजी चेक करो कि प्रेग्नेंट है भी या नहीं है. और अगर फाइब्रस डिस्चार्ज है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर भी बीटा एससीजी चेक कराएंगे कि शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट. ओके, क्वेश्चन नंबर 73. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कॉपर टी इज़. तो ऑप्शन में दिया है प्रीवियस एक्टोपिक्स, मेनोराजिया, टोटल अनमोटिवेटेड या एनीमिया. जो इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कॉपर टी का, वो है मेनोराजिया. तो ध्यान रखें, बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन आंसर. अब क्वेश्चन पूछा है 74, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं. कम्युनिटी फॉर विलेज हेल्थ एंड प्लानिंग. तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे हम, जिसमें दिया है विच हैज़ द मैक्सिमम मार्जिन ऑफ एरर. जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है ये 1000, 800 और ये 500. तो इसमें पूछा था कि अरेंज किस ऑर्डर में करोगे आप, तो एरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है सैम्पल साइज़ के. तो यहाँ पे जो बेस्ट आइडिया आएगा, मैक्सिमम मार्जिन आएगा, तो 500 जिसके वाइड है लेंथ, फिर आएगा 800, फिर आएगा 1000. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑल कैन बी डन विद चाय स्क्वायर एक्सेप्ट. तो चाय स्क्वायर में सेक्स एंड स्टेज ऑफ कैंसर, यस ए ऑप्शन राइट है. इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो बी हम चूज़ करते हैं, हर्ट रेट बाय मिनट, बीट बाय मिनट, तो ये भी चाय स्क्वायर में कर सकते हैं. फिर सी ऑप्शन है एज ग्रुप एंड कैंसर स्टेजिंग, ये भी हम इसमें कर सकते हैं. जो आंसर नहीं होगा वो है ट्यूमर बिनाइन और मेलिग्नेंट एंड टाइप ऑफ सर्जरीज, जो चाय स्क्वायर में इंक्लूडेड नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 77. 13 मंथ्स चाइल्ड हु हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी वैक्सीन फ्रॉम द बर्थ केम टू हॉस्पिटल, वॉट ऑल वैक्सीन्स कैन बी गिवन टू द चाइल्ड एट दैट टाइम. तो इनमें बेस्ट पूछा है, तो BCG 1 साल में की उम्र में दी जाती है, तो हम क्या देंगे बच्चे को बेस्ट वैक्सीन, इट्स BCG. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं. लो लैक्टोज, सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो योगर्ट का है, तो योगर्ट ही इसका आंसर है. अब 79 क्वेश्चन हम देखेंगे, हीट सेंसिटिव पार्ट टू डिटेक्ट वैक्सीन वायबिलिटी इज VVM. सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चंस, अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, ये थर्ड पार्ट है, और अगर आपको कुछ याद है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा. ठीक है,
ये मैंने आपकी हेल्प करने के लिए ही डाले हैं और ये मेमोरी बेस्ड हैं, ये 100% श्योर नहीं हैं, पर फिर भी ये आपकी हेल्प करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. गुड बाय.